करते होंगे, ऐसा कौन सा काम है जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आज भी? इस टाइम तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, मैं अपनी लाइफ से बहुत असली मोटिवेशन से आए हैं, तब से हमारा खिदमत पे खिदमत कर रहे हैं हरराज भाई। तभी आपका फेमस है तो हमारा भी फेमस रहेगा, हम भी टेस्ट करते हैं। मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि जिस तरह का सफर रहा है ना आपका भाई, मैं तो जितना सलूट करूँ ना आपको कम ही कम है। ये सफर इतना आसान तो नहीं हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना MD आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए दिन, एक नए सफर, एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि मैं इस टाइम हूं अरबाज भाई के पास, जो कि प्रोडकास्ट के लिए मैं यहां पर इंटरव्यू के लिए आया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अरबाज भाई जो कि कैमरा रेडी कर रहे हैं। आज हमारे एडिटर साहब की ना तबीयत खराब हो गई। अच्छा, बुखार आ रहा है कल से, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, तो अरबाज भाई कैमरा सेट कर रहे हैं, यहाँ पर सब सेटअप रेडी हो चुका है प्रॉडकास्ट के लिए। तो ये भाई का स्टूडियो था जो कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं प्रॉडकास्ट शूट करने के लिए, तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके साथ एक ऐसे गेस्ट है और जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे खासे जो उनकी बात नहीं है, उसके बावजूद इनकी जो मेहनत है ना वो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। तो मेरे साथ हैं ये गेस्ट, आप अपना परिचय खुद कराइए। सबसे पहले आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, तहे दिल से शुक्रिया मैं कहता हूँ जो हमें मौका दिए इस चीज को दिखा। आज मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ आपसे, लेके आपके स्ट्रगल से लेकर कहाँ से आपने शुरुआत की। नया बच्चा जो होता है वो नया तरीके से करता है वही चीज, 15 साल की उम्र में मुझे वही चीज, मतलब आपने सारी चीजें सीखी, सारी चीजें मतलब कुछ समय तक आपको हेल्प लेनी पड़ी मेरे घर वालों से, घर वालों से बहुत सारी चीज। आज भी आपको आपको सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्टी होती है, क्या फेस करते हो जो जैसा आप सुबह से, ऐसा कौन सा काम है जहाँ आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आज भी? इस टाइम तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश। इसे कहते हैं असली मोटिवेशन, इसे कहते हैं असली मोटिवेशन कि जब आप लाइफ में ना एक वक्त पर हार चुके होते हो और आप अपने शरीर का एक हिस्सा गवा चुके होते हो ना, और उसके बाद आप डिमोटिवेट ना होने के बाद मोटिवेट होते हो और आप किसी पर सहारे पर निर्भर नहीं रहते। सो फाइनली दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो प्रोडकास्ट इंटरव्यू है शूट हो चुका है। तो अरबाज भाई क्या कहना चाहते हैं? यार भाई मैं तो मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि जिस तरह का सफर रहा है ना आपका भाई, मैं तो जितना सलूट करूँ ना आपको कम ही कम है। ये सफर इतना आसान तो नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। फिलहाल सारी बातें पॉडकास्ट में हुई हैं, वहाँ आप देखना। अभी जो हम जा रहे हैं लंच करने के लिए जा रहे हैं, और ठीक है लंच करने चलते हैं। सो दोस्तों प्रोडकास्ट तो अभी चलते हैं लंच के लिए बाहर, के बाद तो बने रहे हैं आप सभी लोग वीडियो में। सो अभी दोस्तों अरबाज भाई हमें लेकर आए हैं लंच कराने के लिए यहाँ पे बिरयानी के शॉप पे। तो जब से आए हैं तब से हमारा खिदमत पे खिदमत कर रहे हैं अरबाज भाई। तो अभी बिरयानी के शॉप पे लेकर आए हैं, देखिए अरबाज भाई फेमस शॉप है। अच्छी इनकी चटनी स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो वी आर वेटिंग फॉर। तो जब आपका फेमस है तो हमारा भी फेमस रहेगा, हम भी टेस्ट करते हैं। यहाँ आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे एक और बिरयानी का शॉप है वहाँ पे टेस्ट किए थे। हाँ। तो यहाँ आज अरबाज भाई का फेमस चीज़ हम लोग भी टेस्ट करेंगे, तो बने रहें सभी आप लोग वीडियो में। दोस्तों फाइनली बिरयानी आ गया है, 20 मिनट वेट किए उसके बाद आया। देख सकते हैं कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, और अरबाज भाई भी खा रहे हैं। कैसा है टेस्ट अरबाज भाई? बहुत बेहतरीन, मुझे तो भाई पसंद नहीं आएगी। अच्छा, हमेशा आते हैं यहाँ पे? अक्सर जब भी बिरयानी खाता हूँ। अच्छा, यहीं पे तो हम भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। बिरयानी हम लोग खा रहे हैं और आज 2 टाइम हो गया बिरयानी, जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ तभी भी खाए थे, उस टाइम मुरादाबादी खाए थे ना। हाँ। और अभी हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। तो अरबाज भाई फटाफट खा के यहाँ से नीचे चले गए, हम लोग खा रहे हैं और एक भाई यहाँ है। कैसे हैं भाई? बढ़िया। तो फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं नीचे। तो अभी दोस्तों लंच करके आ गए हैं नीचे और हम लोग जा रहे हैं अभी अरबाज भाई के रूम पे। तो वो आगे अरबाज भाई जा रहे हैं और इधर जमशेद भाई, तो अभी जा रहे हैं रूम पे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम गफार भाई, अरबाज भाई, आरिफ भाई से मिलने के लिए। तो वो लोगों का भी लोकेशन पता करना है कहाँ पर हैं वो लोग। तो अभी चल रहे हैं अरबाज भाई के रूम पे, वहाँ से विदा लेते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं भाई से मिलने के लिए। तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में। सो अभी यहाँ पर हैं, यहाँ से हमें निकलना है। कुछ दोस्त हैं जो कि हमारे यूट्यूबर साथी हैं, वो भी दिल्ली में हैं,
तो उन्हीं के पास निकलना है, तो अभी हम वेट करेंगे कुछ देर तक। अरबाज भाई अभी कुछ काम से गए हुए हैं बाहर, फिर वो आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद अलविदा लेंगे उनसे, फिर यहाँ से निकलेंगे उन लोगों के पास, वहाँ से फिर देखते हैं कहाँ जाने का हम लोगों का प्लान बनता है। दिल्ली में रहना है कि अगर अदर किसी जगह रहना है तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और अरबा और क्या बोलते हैं जमशेद भाई हमारा आज जाने को कह रहे हैं, रुकेंगे नहीं का? नहीं जाना है क्योंकि मुझे काम है घर पे ना। अच्छा। दो तीन काम पेंडिंग में पड़ा हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा आज रात में। ट्रेन कोई देखेंगे। अच्छा। वक्त से पहुंचा दे तो सही है, सुबह तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बेहतरीन, लाजवाब। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अरबाज भाई से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी गहरी दोस्ती है। एकदम पोलाइटली मोहब्बत से बात किए, नाश्ता लंच पानी और अच्छे से बातचीत, पूरा अपना जो मार्केट वो घुमाना फिराना, ब्लॉग भी शूट किए हैं उनके ब्लॉग में, भाई का है वो जो पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू भी है, तो आप जाइएगा ऑफिशियल चैनल पे अरबाज भाई के देखिएगा। सो जमशेद भाई आज निकलेंगे घर के लिए और हमें रहना है यहाँ पे कुछ दिनों तक, देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने का दिल्ली मौका मिलता है। तो यहाँ पर दिल्ली मेरा थर्ड टाइम है, फर्स्ट टाइम आया था बस रास्ते से ही निकल गया था, सेकंड टाइम आया था जमशेद भाई के साथ, सेकंड टाइम आया था तो वो भी निकल गया था, नहीं रुक पाया था क्योंकि काम पर कुछ था। और ये थर्ड टाइम जो कि आया हूँ अरबाज भाई के पास, तो इस बार मैं निकलने वाला हूँ, अब ये निकलने वाले हैं तो इस बार रुकूँगा मैं, कोशिश रहेगा मेरा रुकने का। क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग जो होता है ना, कुछ लोग साथ में होते हैं ना तो ब्लॉगिंग करने में मज़ा आता है कि चलो भाई ट्रेवलिंग कर रहे हैं, साथ में हैं, दोस्त हैं, वो भी अपना वीडियो बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, तो ट्रेवलिंग करने में इंटरेस्ट लगता है, और अकेले थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हम अकेले आ रहे थे तो फिर हम कहें जमशेद भाई को, हम कहें भाई चलना है, इनको प्रेशर देते रहे, नहीं ये भी करें नहीं यार हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम कहें चलना है भाई, तो किसी तरह चलना है, एक ही दिन रहना चले आना। तो फाइनली ये भी तैयार हो गए हैं तो हम लोग साथ ही आए हैं यहाँ पर, और ये आज हमको छोड़ के जा रहे हैं, फिर देखते हैं हम रिटर्न हो गए तो फिर इनसे मुलाकात होगी घर पे। छोड़ के नहीं जा रहे हैं, प्यार दे के जा रहे हैं क्योंकि हमें भी कुछ वक्त मिला था इसलिए फ़र्ज अपना निभा दिए। भाई ने बोला था, भाई की बात, हमारे बड़े भाई हैं तो बात मानना ज़रूरी है कि थोड़ा ही सा वक्त दीजिए, लेकिन दीजिए। तो भाई के साथ आए, घूमें फिरें, काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ से हम शाम तक निकलेंगे घर, क्योंकि दो तीन काम पेंडिंग में मेरा पड़ा हुआ है, ब्लॉग भी उधर पड़ा हुआ है मेरा। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी आ चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो ये वीडियो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और आगे कहाँ के लिए निकलेंगे तो वो आप सभी लोगों को अगले वीडियो में पता चल जाएगा कि आगे मैं किस जगह घूमने वाला हूँ, तो अगले वीडियो में तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।